आज अगर अरविंद केजरीवाल झुक जाएं तो मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ जाएंगे, सत्येंद्र जैन साहब को भी बेल मिल जाएगी, संजय सिंह जी भी बेल पे आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दर्जनों उदाहरण है, हाल ही में टीएमसी का उदाहरण सबको मालूम है। जेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी सामने चुक जान तो सब ठीक हो जाएगा, पर वो अजिहा करेंगे नहीं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली दे कथित शराब घोटाले दे मामले च दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नू राउज एवेन्यू कोर्ट ने वीरवार यानी कि आज सम्मन भेजा। ये सम्मन इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दी अर्जी ते भेजा गया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल नू 16 मार्च तक पेश होने दे निर्देश दिते ने, ते इधर इस मसले ते सियासत गरमा गई है। आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे घूम रहा था और कई बिजनेस मैन मेरे साथ घूम रहे थे, और चलते चलते उन्होंने एक बात कही, हालांकि हमारे समर्थक नहीं थे, थे भारतीय जनता पार्टी समर्थक, मगर चलते चलते बोले, यार बाकी कुछ ठीक है, बट तुम्हारी पार्टी की एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा नेता इनके आगे झुका नहीं। तो आज देश के अंदर ये बात हर आदमी समझ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर अरविंद केजरीवाल झुक जाएं तो मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ जाएंगे, सत्येंद्र जैन साहब को भी बेल मिल जाएगी, संजय सिंह जी भी बेल पे आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईडी भी अपनी कार्रवाई जो है ठंडे बस्ते के अंदर डाल देगी, और इसके एक दो नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। हाल ही में टीएमसी का उदाहरण सबको मालूम है, जनवरी के महीने में ईडी ने छापा मारा था, बताया जा रहा था कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भर्ती घोटाले के अंदर नाम आ रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो देश की हकीकत है, ये तो अब सबको पता है, किसको नहीं पता है। दरअसल ईडी पहला ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत जा चुकी है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। पंजवे सम्मन तो बाद इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत तक पहुंच की सी, जिस ते सुनवाई करदे अदालत ने उन्होंने 17 फरवरी नू अदालत पेश होने दे हुकम दिते सन। इस तो बाद अरविंद केजरीवाल दे वकील ने बजट इजलास दा हवाला दिंदे हुए पेशी तो छोट मंगी सी, ते हुण नवा सम्मन आ गया।